أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. जी बेटा, ये आपके पास है मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। इसकी फ्लैट बॉटम होती है ताकि आप इसे आराम से टिका सकें। इसके एक साइड पे नोज़ल होती है ताकि आप कोई लिक्विड जो है आराम से पोर कर सकें इससे। इसमें जब आप पानी डालेंगे तो उसके बाद जितना भी पानी होगा, आपने जब उसकी रीडिंग लेनी या कोई भी लिक्विड अगर आपने है इसमें डाला हुआ, तो जब आप उसकी रीडिंग लेंगे तो आप अपनी आई जो है, मैंने आपको कल ये बताया था कि इसकी पोजीशनिंग जो है बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखनी है, ना ऊपर से देखना है ना नीचे से देखना है। तो जितना भी इसमें आपने लिक्विड डाला होगा या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमारे पास पाउडर्ड फॉर्म में हो जिसका हमने वॉल्यूम लेना है, तो उसको जब आप इसमें डालेंगे तो आपने इसे स्ट्रेट देखना है, ठीक है। ये 250 मिलीलीटर वाला है। ये मुख्तलिफ साइज़ में होते हैं ताकि डिफरेंट कैपेसिटीज़ इनकी होती हैं, ताकि जितना वॉल्यूम आप मेजर करना चाहें आप कर लें। 20 इसका मिनिमम है कि 20 जो है वो मिनिमम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, 20 से छोटा नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि 20 पे इसकी पहली जो है वो लाइन इन्होंने ड्रॉ की है। और 250 इसका मैक्सिमम वॉल्यूम है जो ये मेजर कर सकते हैं। ये है मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। ये ग्लास सिलेंडर है, वैसे यूजुअली प्लास्टिक भी होता है, ये हमारे स्कूल में ग्लास सिलेंडर है और मुख्तलिफ साइज़ के हैं हमारे पास।